तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणे निदाना। तुमरे महिमा वर्णन साका, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जिता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामे पुरख भगवान। दसन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराए तेहा हों करे बख्यान। दसन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराए तेहा हों करे बख्यान। इको अंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठों नंदन। प्रथम राग भैरो वै करी, पंच रागनी संग उचरही। प्रथम भैरवी बिलावली, पुनिया की गावै बंगली। पुन असली खी की पई बारी, ए भैरों की पांचो नारी। पंचम हरख दिशाख सुनाव, बंगालम मद माधव गावै। ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत। अष्ट पुत्र भैरव के गावै गायन पात्र। द्वितीया मालको सक आला पै, संग रागनी पांचौ थापै। गोंड करी हर देव गंधारी, गंधारी सेहुते उचारी। तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौ सक संग लाई। मारू मस्तंग मेवारा, प्रबल चंड कौशक उभार। खौ खट अपौरा नद गाय, अष्ट माल कौ सक संग लाय। पुन आयो हंडोल पंच नार, संग अष्ट सुत उठै तान कलोल। गायन तार मिलावे ते लंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई। सरस अहिरी लै भार जा, संग लाई पांचो आर जा। सुरमानंद पास कर आए, चंद्र बिंब मंगलन सुहाए। सरसबान ओ आह बिनोदा, गावै सरस बसंत कमोदा। अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी। कछेली पट मंजरी तोड़ी कही अलाप, कामोदी अगुजरी संग दीपक के थाप। कालंका कुंतल औरामा, कमल कुसम चंपक के नामा। गौरा ओ कानरा कल्याणा, अष्ट पुत्र दीपक के जाना। सब मिल श्री राग वै गावै, पांचों संग बरंगन लावै। बैरारी करनाटी तरी, गवरी गावै आसावरी। ते पाछै सिंध भी अलापी, श्री राग स्यों पांचों थापी। सालू सारंग सागरा और गोंड गंभीर, अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर।
खष्टम मेघ राग वै गावें, पांचो संग बरंगन लावें, सोरठ गोंड मलारी तुनी, पुन गावें आसा गुण गुणी, ऊचै सुरस हो पुन कीनी, मेघ राग स्यों पांचो चीनी, बैरा तर गज तर केदारा, जबली तर नट औ जल तारा, पुन गावें शंकर औ श्यामा, मेघ राग पुत्रन के नाम, खष्ट राग उन गाए, संग रागनी तीस, सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तख्त दे मालक, दीन दुनिया दे वाली, दसां पातशाहियां दी जोत, जुगो जुग अटल सतगुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे पवित्र पावन मुबारक चरण कमलों विच साहब जी दे 300 साल गुरता गद्दी नूं समर्पित सजे हुए महान दीवाना अंदर गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु सवारी सत संगत जी, अत्यंत वड्डियां भागां वाले हो, सतगुरु जी ने कृपा कीती, बख्शिश कीती, इस मनुखा जीवन नूं सफलियां करन वास्ते सानू ये सोझी प्रदान कीती कि जीवन गुरु दी संगत विच जुड़ के परम पिता परमेश्वर दियां वडियाईयां करके सफलिया हुंदा है। सो सतगुरु दी बख्शिश सदका गुरसंगत दियां हाजरियां भर रहे हो, अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना अंदर आप जी ने जिथे गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दी बाणी जो परसों रोज तो लगातार अखंड जाप के रूप में आप सरवण कर रहे, सो अमृत वेले भोग पै उपरंत रबी बाणी दे कीर्तन आपने सरवण कीते और इस तों बाद बने हुए प्रोग्राम अनुसार कथा विचार सरवण करन वास्ते गुरदेव दे सोहणे चरणां विच जुड़े हो, क्योंकि साढ़े कोल उस परम पिता परमेश्वर दियां वडियाईयां दे तीन साधन मालक ने बख्शे ने। साड़ी झोली विच ये तीन साधन पाए ने। पहला साधन है गुरबाणी का पाठ, दूसरा साधन है गुरबाणी का कीर्तन और तीसरा साधन है कथा विचार। किसी भी तरीके असी उस परम पिता परमेश्वर दियां वडियाईयां कर सकते हैं। असल विच वडियाईयां करन दा भाव यही है वे साडे जहन विच परमेश्वर दी याद टिक जावे,
असी मन करके उहदी याद विच जुड़ सकीए। वडियाईयां करन दा इही भाव है ना, किसे तरीके भी असी परमेश्वर दीआं वडियाईयां नाल जुड़ जाइए, उहदीआं वडियाईयां साडे हिरदे विच वस जाण, हिरदे विच टिक जाण। तरीका कोई भी होवे, साधन कोई भी हो, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दी लड़ीवार कथा जो आप भागां वाले जिन्हां ने श्रवण कीती, नवें महल्ले दे शलोक उपरंत पंजवें पातशाह दे शब्द और हुणे आपने रागमाला दे बचन श्रवण कीते ने, और रागमाला दे इन्हां बचनां दी विचार गुरदेव दे चरणां विच जुड़ के आपां ने गुरु दी दित्ती हुई मतबुद्ध अनुसार सांझी करनी है। एक बेनती करां, इस बाणी दी विचार नूं श्रवण करन वास्ते ना मन दी एकाग्रता बहुत जरूरी है, मन दा टिकाओ बहुत जरूरी है। वैसे तां बाणी नूं समझण वास्ते एकाग्रता होनी ही चाहीदी है, लेकिन इस बाणी दी विचार नूं समझण वास्ते पहलां ते साडे मन विच भटकना नहीं होनी चाहीदी, ते फिर मन दी एकाग्रता होनी चाहीदी है, तां असी रागमाला दी विचार नूं समझ सकांगे। आशा बेनती नूं प्रवान करोगे विचारां दी आरंभता तो पहलां। बहुत ही सत्कार सहित दोनों हाथ जोड़ बेनती करदा हाँ, सारे गुरमुख माई भाई जितने भी गुरदेव पातशाह की बख्शिश लैण वास्ते, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के पावन पुरब नूं मनाउण वास्ते गुरु चरणां विच गुरु दरबार विच जुड़े हो सारे, गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह की महान बख्शिश नूं संभालदियां होइआं गुरफतेह बुलाइए, हाजरियां लवाइए, अदब अते सत्कार सहित आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद रागमाला गुरबाणी दी ए परंपरा है भाई, जदों भी नवी बाणी शुरू होंदी है, जदों भी किसी दूसरे गुर व्यक्ति दी भगत दी गुरु के सिख दी बाणी शुरू होंदी है, जदों भी किसी दूसरे सब्जेक्ट दी बाणी आरंभ होंदी है, उत्थे मंगलाचार वजों ये शब्द अंकित किए ने, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वैसे ये मूल मंत्र है और इस दे गुरु ग्रंथ साहिब विच वख वख स्वरूप सानू प्राप्त होंदे ने। संपूर्ण मूल मंत्र है एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक, पर कुछ थावां ते एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहिपं गुरप्रसाद है, कुछ थावां ते एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद है, कुछ थावां ते एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद है, ते बहुतियां थावां ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद है। भाव इहदा उही है, अर्थ उही है, गल परमेश्वर दी है, उहदियां वडियाईयां ने, ते सब आखण लगे कि उहदियां वडियाईयां दे नाल गुरु दी बख्शिश द्वारा ही जुड़िया जा सकता है। गुर प्रसाद का अर्थ यह है,
बाकी उहदे नां दे विशेषण ने उहदियां वडियाईयां ने। एक ओंकार, ओ अकाल पुरख वाहिगुरु जिस दी संपूर्ण हस्ती है, इको एक ऐसी हस्ती है जिस दी हस्ती संपूर्ण हस्ती है। संसार विच कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी हस्ती नहीं आई जिस दी हस्ती संपूर्ण हस्ती हो। जितने भी संसार विच आए ने ना, अधूरे ही आए ने, और वो सारी जिंदगी इस गल वास्ते झूरदे ही रहे कि मैं अधूरा हाँ। जितने भी बैठे हाँ अपने हिरदे में झाती मार के वेखिए, झूरदे हाँ, हर वेले झूरदे हाँ, मैं इस काम विच अधूरा हाँ, मैं इस गल विच अधूरा हाँ। कोई भी पूरा नहीं, अगर कोई पूरा है तो केवल अकाल पुरख वाहिगुरु। इस वास्ते परमेश्वर कदे झूरदा नहीं, जिहड़ा झूरदा है वह दूसरे नाल सलाह भी करता है, दूसरे नाल विचारा भी करता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आखन लगे कि परमेश्वर झूरदा नहीं, इस वास्ते उसनू किसे नाल सलाह करन दी जरूरत नहीं, उसनू किसे दे नाल विचार करन दी जरूरत नहीं। वह कुछ भी करता है अपनी मर्जी नाल करता है। बियो पूछ ना मसलत तरे, जो कुछ करे सो आपे करे, क्योंकि वह पूरा है। एक ओंकार, ओदी हस्ती सदा कायम रहने वाली है, ओदा नाम सदा कायम। जिस दी हस्ती सदा कायम रहने वाली होवेगी, नाम भी तो उसे दा ही होवेगा ना कायम रहने वाला। साढ़े तो पहला साढ़े वर्गे अनेक संसार विच साढ़े वांगू हस्ती लैके आए, संसार तो चले गए, उन्होंने नाम भी खत्म हो गए। लेकिन परमेश्वर आदि काल तो है, केवल वह आप ही संपूर्ण नहीं, सब कुछ संपूर्ण करन दी समर्था है उहदे विच। एडी वड्डी उहने सृष्टि की रचना की है, उहदे विच ताकत समर्था है, तां ही कीती है ना। करता पुरख सर्व व्यापक है, अकाल मूरत उहदी हस्ती काल तो रहत है, अजूनी जूना तो रहत है, सहभंग, फिर उसनू किसी ने पैदा नहीं किया, अपने आप तो पैदा, अपनी हस्ती तो उन्हें अपनी हस्ती नू पैदा किया। बाकी जो कुछ भी पैदा होंदा है दूसरे तो पैदा होंदा है, कुछ भी अपने आप तो पैदा नहीं होंदा, दूसरे तो पैदा होंदा है। केवल परमेश्वर ही अपने आप तो पैदा होया है, अजूनी स्वयंभंग। पर यह सारा ज्ञान गुरु की बख्शिश द्वारा होंदा है। यह सारा ज्ञान, एक गल का ख्याल रखिया जे, रब की गल कर लेनी होर गल है, रब की गल का ज्ञान हो जाना यह होर गल है। दो गल्लां वखरियां वखरियां, रब की वडियाई कर लैनी यह होर गल है, रब दियां वडियाईयां दा ज्ञान हो जाना यह होर गल है। ज्ञान हुंदा है गुरु की बख्शिश दे नाल, ते जबानी जबानी रब दियां गल्लां कही जाइए वो होर गल है। रब की गल दा ज्ञान होवे, ज्ञान दे नाल रब की गल करिए वो होर गल है। राग माला, राग दा अखरी अर्थ है प्यार, प्रेम, प्रीति। ते राग माला दा अर्थ है रंग बिरंगी माला। हुण देखो ये बाणी सारी बाणी दे अखीर विच अंकित कीती गई है, सारी बाणी दे अखीर विच अंकित कीती गई है ना। आरंभ विच भी अंकित हो सकती सी, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के विचकार भी यह अंकित हो सकती सी, पर अखीर विच क्यों अंकित की? गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की समुची बाणी यह रंग बिरंगी माला है। सारे रंग हैं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के विच, पर इस नूं समझ ओ ही सकेगा जिसके हिरदे विच प्यार होवेगा, जिहड़ा बाणी नाल प्रीति करेगा। गुरु साहब ने सारी बाणी रागां दे विच उचारण कीती है,
ते जिसनू रागां दे विच बाणी सुनन दी समझ आ गई ना, उहदे हिरदे विच वी बाणी प्रति प्यार बन जांदा। इह वक्खरी गल है वी ट्यूनां विच असीं बाणी सुणदे आ थोड़े समय वास्ते ते जरूर मन नूं हुलारा मिलदा है, पर उह वक्ती हुंदा, सदीवी नहीं हुंदा। जिहड़ा हुलारा राग दे विच्चों प्राप्त हुंदा है ना, वह मन नूं तसली देंदा है। सभा ने सारी बाणी रागां दे विच उचारण कीती, अखीर ते हुण यह रंग बिरंगी माला जिहड़े बचन आपने सरवण कीते ने, यह अंकत है 1429-30 अंक ते। बेशक राग माला प्रति बहुत कुछ संसार दे विच क्या सुनिया जा रहा है, पर सिख नूं गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं गुरु मनण दा हुक्म है। असीं इस गल नूं सामने रखना है, और सिख नूं इह हक किसे ने नहीं दिता भी इह गुरबाणी ते तर्क करे, गुरु ग्रंथ साहिब ते तर्क करे। अज तक किसे ने भी यह गल नहीं आखी, कितने भी यह गल लिखी नहीं मिलती भाई गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह 1429 अंगा दा, कितने नहीं मिलेगा। जी जे 1430 अंग सानू गुरु ग्रंथ साहिब का यह ज्ञान मिलता है भी अंग 1430 हैं, तो फिर यह झगड़ा तो पैदा होना ही नहीं चाहिए। 1430 अंग जे हैं गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे, तो 1430वें अंग तो 1429 तो लैके रागमाला ही तो है। रागमाला का आखरी अर्थ रंग बिरंगी माला, रागां दी नामावली। यह ठीक है, कुछ राग ऐसे हैं जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकत नहीं हैं, वादू भी हैं, पर इत्थे नामावली है रागां दी। रागां दे परिवार की गल की गई है, जिहड़े विद्वान सज्जन रागां नूं समझण वाले ने ना, उन्हां नूं ज्ञान है इस गल दा। निजम की है भई, पंज पंज एक राग दियां रागणियां ने, इस्त्रियां कहा जांदा जिन्हां नूं, ते अठ अठ पुत्तर ने उन्हां दे। इस तरह करके ये नामावली अंकित की गई है, बनाई गई है भाई। राग एक संग पंच बरंगण, बरंगण का अर्थ है इस्त्री रागणी, पंच का अर्थ है पंच। एक राग दे नाल पंच रागणियां ने, राग एक संग पंच बरंगण, संग अलापै आठों नंदन। अलापै का अर्थ है गाउणा, अलापना। आठों का अर्थ है अठ, नंदन का अर्थ है पुत्र। रागां नूं गाउण वालियां ने यह तरीका अपनाया, इस तरीके दे नाल रागां नूं गाया है, रागां नूं इस तरीके दे नाल गाया गया है, गाया जांदा है। भई एक राग दे नाल पंज रागणियां ने, उन्हां पंजां रागणियां पंजां इस्त्रियां, एक राग दे पंज इस्त्रियां दे अगों अठ अठ पुत्तर ने। ते पहला राग अंकित किहड़ा कीता है, प्रथम राग भैरो वैकारी, वैद अर्थ है उन्हां ने जिहड़े राग गाउंदे सन, जिन्हां नूं राग गाउण दी सोझी सी, जिन्हां नूं पता सी भी राग किवें गाए जांदे ने, किवें गाउणे चाहीदे ने, रागां दा सरूप की है। प्रथम राग भैरो वैकारी उन्होंने किया, पहला राग भैरो। पंच रागणी संग उचरी उन्होंने नाल, फिर पंज रागणियां पंज राग इस्त्रियां उस भैरो राग दियां वह गाइया उन्होंने नाल। भैरों के नाल केड़े केड़े होर राग गाए जा सकते हैं, रागणी केड़िया केड़िया गाइया जा सकदियां ने, जिन्हां दे नाल भैरों राग के सरूप नूं कोई नुकसान नहीं हुंदा,
कुछ राग ऐसे ने, कुछ सुरा ऐसिया ने, किसी राग दे विच उह सुरां ला दिए उन्होंने वर्जित सुरा कहा जाता है। वह सुरां लाउण दे नाल राग का नुकसान हो जाता है, राग का सरूप खत्म हो जाता है। पर इत्थे भैरों राग दे नाल पंज रागणियां वह नाल गाईआं जांदियां ने, उन्हां रागणियां दीआं सुरां लाईआं जांदियां ने, पर नुकसान कोई नहीं हुंदा। केड़ियां केड़ियां ने? प्रथम भैरवी बिलावली, पुन्या की गावै बंगली, पुन असलेखी की भई बारी, ए भैरों की पंचो नाज। भैरों दीआं पंज इस्त्रियां रागणियां केड़ियां ने? भैरवी बिलावली, पुन्या की बंगली ते असलेखी। प्रथम भैरवी, पहली स्त्री भैरवी, फिर बिलावली, फिर पुन्या की, फिर बंगली, पुन, फिर असलेखी की भई बारी, ए भैरों की पांचों नारी। ए भैरों राग दियां पांच स्त्रियां ने। पंचम हरख दिसाख सुनावें, हुण अगों अठ पुत्र आ गए ना, जिवें एक राग पंज रागणियां अठ अगों उन्हां दे पुत्र, ओह किहड़े ने? पंचम हरख दिसाख सुनावें, दिसाख बंगालम मध माधव गावें, ये गाए जांदे ने, गाउंदे ने ओह रागी सिंह। बंगालम मध माधव गावें, फिर ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत। राग तां ओही गाए जाने ने, राग गाउण दे तरीके आपो अपने, सुरा लाउण दे तरीके आपो अपने। असीं वेखदे हां रागी सिंह जदों राग गाउंदे ने ना, सुरां लगणगियां ते ओही तां ही राग बनेगा, सरूप तां ही बनेगा। पर राग गाउण दा, सुरां लाउण दा तरीका आपो अपना है। हरेक रागी दा तान पलटा लैण दा तरीका आपो अपना है। ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत, आपो अपने तरीके अनुसार। ये अठे पुत्र जिहड़े ने, ये राग रागी गाउंदे ने। अष्ट पुत्र भैरव के गावें गायन पात्र, वो जिहड़े गाउण वाले ने, गाउण दे पात्र ने, जिहड़े गाउण दे जिहड़े योग ने, जिहड़े गा सकदे ने। पात्र दा अर्थ ही है ना जिहड़े योग ने, जिहड़े गाउण दे योग ने वह गा सकदे ने। हुण जिहड़े योग ही नहीं गाउण दे, उहनां गाउणा की होया? लेकिन राग यही है, इस तरीके ही गाउणे पैणगे। मैं फिर बेनती कर देवां, गुरु साहब सच्चे पातशाह देखो किन्नी कु महारत होवेगी सतगुरु सच्चे पातशाह नूं रागां दी, किन्ना कु ज्ञान होवेगा। अज ते कीर्तन करन दा ढंग ही बड़ा सौखा हो गया। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे अज भी ये परंपरा जिहड़ी गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह वाले तो चली आ रही, अज भी चली आ रही है। बई कीर्तनी सिंह जदों कीर्तन आरंभ करते ने, पहला शब्द राग दे विच पढ़ते ने। ये अज भी परंपरा चल रही है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने सोझी दित्ती गुरु के कीर्तनियां नूं भई इस तरीके दे नाल कीर्तन करना है, जिस तरीके नाल उस समय दे रागी करदे, उस समय दी गल कीती जा रही है ना। ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत, अष्ट पुत्र भैरव के, अष्ट दा अर्थ है अठ, अष्ट पुत्र भैरव के, ये अठ पुत्र ने भैरव के। गावें गायन पात्र, गाउण वाले, गाउण जोगे, जिन्हां नूं गाउण दी समझ सी वह गाउंदे सन, इस तरीके दे नाल गाउंदे सन। द्वितीया माल कौशक आलाप, दूसरा राग आ गया माल कौश, दूसरा राग माल कौश गाउंदे ने। संघ रागनी पांचो थापें, इन्हां दे नाल भी, इस राग दे नाल भी पांच ओ रागणियां लांदे ने। इस राग दे नाल भी पांच रागणियां ला के, माल कौश दा ही स्वरूप है,
इसे दा ही अंग है। केड़ियां केड़ियां ने? गौंड करी आर अर्दार्थ है अते, गौंड करी आर देव गंधारी, गंधारी सी होती उचारी, गौंड करी देव गंधारी, गंधारी सी होती, फिर तनासरी ए पंच ओ गाई अते तनासरी, ए पंज रागणियां गाइयां नाल, उन्होंने पंज रागणियां नाल गाउंदे ने। माल राग को सत संग लाई, माल राग दे नाल, माल कौंस दे नाल, ए पंज रागणियां ला के ओ माल कौंस नूं गाउंदे ने। फिर अगों अठ पुत्र बने, ओ केड़े केड़े बने? मारू मस्तंग मेवारा, मारू मस्तंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उभारा, खाओ खट आओ औदर्थ अते, खाओ खट आओ पौरानद गाए, अष्ट माल कौशक संग लाए, अठ पुत्र ए नाल, अठ ए राग नाल ला के फिर माल कौश गावे। राग गाउणा कोई सौखी जी गल नहीं, राग गाउणा कोई छोटी जी गल नहीं। माल कौंस राधा राग है, ते असी थोड़ा जा उदा स्वरूप जदों समझ में आ जाता असी कहने माल कौंस गा रहा है, जबकि माल कौंस नू गाउण वास्ते ए सारे राग उदे नाल गाए जांदे ने। सारे राग रागणियां गाइया जांदियां ने, पांच रागणियां ने, अठ अगों फिर राग ने, छे ते अठ चौदह राग गा के एक माल कौंस बनता है। एक माल कौंस नू गाउण वास्ते चौदह राग गाए जांदे ने। मारू मस्तंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उभारा, खाओ खट औ भौरा नद गाए, अष्ट अष्ट अठ माल कौशक संग लाए, पुन आयो हंडोल, पुन दा अर्थ है फिर किदी वारी आई? हंडोल राग दी। पुन आयो हंडोल, हंडोल भी कहिंदे ने इस राग नूं। पंच नार संग अष्ट सुत, जो रवायत है गुरबाणी दी, जो रवायत है संगीत दी, उस अनुसार पंज रागणियां, पंज एक राग दियां इस्त्रियां ते अठ पुत्र। पंच नार संग अष्ट सुत, उठ है तान कलोल गायन तार मिलावी। जदों सुर दे नाल सुर मिला के गाउण वाले गाउंदे ने ना, ते राग विच्चों कलोलां उठदियां। गाउण वाले नूं गाउण दी सोझी आ जावे ना किते, फिर सुनन वाले नूं आनंद क्यों ना आवेगा। जिहड़े वी भागां वाले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दर्शन करन जांदे ने, दर्शनी ड्योढ़ी तों ही जदों कन्नां दे विच बाणी दी आवाज पैंदी है, राग विच पढ़ी जा रही है बाणी, ते कन्नां दे विच उस शब्द की धुनी पैंदी है, फिर उत्थे मन कहिंदा है भी कौन कहिंदा है, राग की समझ नहीं आती, कौन कहिंदा है राग का आनंद नहीं आता। केवल ओ ही कह सकता है जिसनू राग सुनना नहीं आता, ओ ही कह सकता है वे राग का आनंद कोई नहीं आता। जे राग का आनंद ना आता हों, गुरु साहब सच्चे पातशाह नू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी रागों में उचारन की जरूरत की सी? आनंद केवल उन्होंने नहीं आता जिन्हों राग सुनना नहीं आता। आनंद ता ही नहीं आता जे उन्हां कोलों सुनदे आ जिन्हों गाउणा नहीं आता, गाउणा उन्होंने नहीं आता जिन्हों रागों की समझ कोई नहीं। पुण आयो हंडोल, पंच नार संग अष्ट सुत, उठ है तान कलोल,
गायन तार मिला वही गाते ने सुर दे नाल सुर मिला के कोई सुर फिक्का नहीं रह जाता। ते कलोलां उठदियां ने गाउण वाले दे हिरदे विच्चों उठदियां ने सुनन वाले दे हिरदे विच्चों उठदियां। गाउण वाले नूं गाउण दा आनंद आ जांदा है सुनन वाले नूं सुनन दा आनंद आ जांदा है। एक गल दा ख्याल रखिया जे अगर गाउण वाले नूं गाउण दा आनंद नहीं आया सुनन वाले नूं सुनन दा आनंद आ ही नहीं सकता। ये एक क्राइटेरिया जे बुलारे नूं बोलण दा आनंद कोई नहीं आया ना समझ लेना चाहिए सुनन वाले नूं सरोते नूं सुनन दा भी आनंद कोई नहीं आया। किसी नूं पुछण दी जरूरत कोई नहीं बे तैनूं आनंद आया कि नहीं आया। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की सारी बाणी समुची बाणी हुण इह तां आनंद दे नाल ही उचारी गई है ना आनंद वालिआं ने ही उचारी है ना। जिहड़े आनंद दे नाल भरे होए सन ये उन्हां दी रसना तो ही उचारण कीती होई है ना। ते जे सानू सुन के आनंद नहीं आया फिर समझ लेना चाहिए सानू बाणी सुननी नहीं आई है। सानू बाणी दी समझ ही कोई नहीं आई अजे तक। उठै तान कलोल गायन तार मिलावी जिहड़े खुब के गाउंदे ने गाण दे विच गवाच के गाउंदे ने उहनां दे अंदरों ते कलोलां उठदियां ने उह ते आत्मक आनंद प्राप्त करदे ने। ते लंगी देव करी आई फिर ते लंगी देव करी बसंती बसंत संदूर सुहाई सरस अहीरी लै भार जा इस्त्रियां पांच भार जा तो भाव है इस्त्रियां संग लाई पांचौ ए पंजे इस्त्रियां हिंदोल राग दियां ते लंगी देव करी बसंती संदूर ते सरसे लै भार जा संघ लाई पांचौ आर जा। फिर पुत्र एदे केड़े केड़े होए सुरमानंद भास्कर सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगल मंगल दा अर्थ है मंगल सुहाए ये शोभनीक ने सारे सोहने सोहने ने सारे किसे वस्तु नू किसे हस्ती नू वो ही कह सकता है भी ये सोहना है जिसनू वो सोहनी लगती होगी जिसनू उसका सुहप्पन नजर आया होगा। सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगलन मंगल सुहाए सरस बाण ओ आए बिनोदा सरस बाण अते बिनोद बिनोदा गावें सरस बसंत का मोदा गाउंदे हन गाउण वाले गल उन्हां दी चल रही है जिन्हां नूं गाउणा आउंदा है जिहड़े गाउण दे योग ने जिहड़े गाउण दे पात्र ने। गावें सरस बसंत का मोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी बहुत सोहणे तरीके दे नाल ए अठां पुत्रां दी गल कीती इस राग दे जिन्हां दे पंज इस्त्रियां दी गल कीती है इन्हां दे पंज अठ पुत्रां दी गल मैं बहुत ही प्यार दे नाल बहुत सुंदर तरीके दे नाल कीती है। अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की वारी इस तों बाद हुण दीपक राग दी वारी आई है। वारी वारी सारे रागां दी गल कीती जा रही है छे रागां दियां पंज पंज इस्त्रियां अठ अठ पुत्र और बहुत सुंदर तरीके दे नाल एक एक राग पांच पांच भार जा उन्हां दियां इस्त्रियां ते अठ अठ पुत्रां दी गल कर रहे हां। हुण दीपक राग दी वारी आई दीपक दे राग बारे की किया जा रहा है पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी तोड़ी कही अलाप गाउण वालिआं ने
इन्हां रागां दा आलाप कीता। कछेली पट मंजरी तोड़ी कामोदी औ अते गुजरी संग दीपक के थाप। दीपक राग दे नाल इन्हां नूं गाया है ये इस्त्रियां पंज बना के दीपक राग दियां। फिर बेनती कर देवां कछेली पट मंजरी तोड़ी कामोदी अते गुजरी ए पंजा रागां नूं गाया है संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा। अठ पुत्र हुण केड़े केड़े ने दीपक राग दे नाल जिहड़े गाए जांदे ने कालंका कुंतल अते रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा। गौरा गौरा कानरा अते कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना। दीपक राग दे अठ पुत्र ए जान के समझ के दीपक राग गाउण वालिया ने इन्हां नूं दीपक दे नाल गाया है। ये सारे राग जिहड़े गाउंदे ने दीपक दा ही नाम इन्हां नूं दित्ता जांदा है। पिछोकर दीपक ही है। पंज रागणियां जिहड़ियां इस्त्रियां जिहड़ियां गाईयां जांदियां ने उन्हां दा पिछोकर भी दीपक ही है। नाम दीपक ही दित्ता जांदा है फिर गाया जांदा है। कमल कुसम चंपक के नामा गौरा ओ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना। हुण अगला राग केड़ा आ गया है सब मिल श्री राग वै गावे। हुण ओ सारे मिल के श्री राग गाउंदे ने गाउण वाले जिन्हां नूं गाउण दी जाच है जिहड़े गाउण दे पात्र ने जिहड़े गाउण दे योग ने मालक ने कर दित्ता जिन्हां नूं गाउण जोगे। गा भी कोई अपनी मर्जी नाल नहीं जे सकदा। जिसनूं तौफीक मालक ने बख्शी है गा भी तां ओही सकदा है ना। मैं फिर बेनती कर देवां गुरु घर दे विच गुरबाणी नूं निर्धारित राग दे विच गाउण दी परंपरा है। निर्धारित राग भाव जिस राग विच साहिब जी ने बाणी उचारण कीती है उसे राग विच गाउणी है। और सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विच इस परंपरा नूं अज भी बरकरार रखिया होया है। हुण जिहड़े राग नूं समझदे ने बाणी नूं समझदे ने उसे शब्द नूं उसे राग विच सुण के वेख लैण जो उन्हां नूं आनंद प्राप्त होवेगा उस शब्द नूं किसे होर राग विच सुन के वेख लैण। हाँ हालांकि बाणी दा आनंद ते रहेगा ओह ही लेकिन राग दा वो आनंद नहीं रहेगा। बेनती नूं समझिया जे बाणी दा आनंद ते ओह ही रहेगा जिन्हां नूं बाणी दी समझ है। जे समझ कोई नहीं ते बाणी दा आनंद भी नहीं ओह लै सकदे। जिस राग विच साहिब जी ने बाणी उचारण कीती है उस राग विच उस शब्द नूं सुन के वेख लैण ते उसे शब्द नूं किसे ट्यून विच जां किसे होर राग विच सुन के वेख लैण वह आनंद नहीं प्राप्त हो। यह गुरु की अपनी रहमत है अपनी बख्शिश है जिस दी ये बाणी है यह उहदी अपनी कृपा है उहदे ते जिन्हों उसने तौफीक दित्ती बाणी सुनन दी बाणी समझन दी राग नूं सुनन दी राग नूं समझन दी ते उह सारे हुण श्री राग गा रहे ने। सब मिल श्री राग वै गावें पांचों संग बरंगन लावें गा रहे ने रागणियां नूं नाल लैके भाव राग दे सरूप नूं बरकरार रख के राग दे सरूप नूं किसे तरह दा नुकसान नहीं होण दिंदे हो। जिहड़े शास्त्री संगीत जानदे ने ना उहनां दी अपनी भाषा है संगीत दी। वर्जित सुरां
विवर्जित सुरां अपनी भाषा है ना उन्हां दी, इन्हां बोलां दे अर्थ भी उन्हां दे अपने ने। जिहड़ियां सुरां उस राग विच नहीं लगदियां उन्हां नूं नां दित्ता होया होर, जिहड़ियां ज्यादा लगदियां ने उन्हां नूं होर नां दित्ता होया, जिहड़ियां घट लगदियां ने उन्हां नूं होर नां दित्ता होया। जिन्हां नूं सोझी है इस गल दी उही गा सकदे ने ना, उही समझ सकदे ने ना। ते श्री राग गाउण दी तौफीक परमेश्वर ने जिन्हां नूं दे दित्ती, सब मिल श्री राग वै गावै। किवें गाउंदे ने? पांचों संग बरंगण लावै। ओ पंजां रागणियां नूं नाल लैके राग दे सरूप नूं बरकरार रख के श्री राग गा रहे हन। ते ओ पंज बरंगणा केड़ियां ने? भारजा केड़ियां ने? रागणियां केड़ियां ने? बैरारी, करनाटी। बैरारी करनाटी धरी गवरी गावें आसावरी। बैरारी करनाटी गौरी आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी। इन्हां चारां तो बाद पंजवीं सिंधवी ओ गाई श्री राग सिंह पांचो थापी। श्री राग दियां ये पांच इस्त्रियां पांच रागणियां नाल लैके उन्हां सारिया ने श्री राग गाया है, जिन्हां ते मालक ने कृपा की, मालक ने सोझी दित्ती। वखरे नहीं होयो किसे तो। राग गाउण दा जो कानून बना दिता, उस कानून के अनुसार ही उन्होंने राग गाया। सब मिल श्री राग वै गावै, पांचों संग बरंगण लावै। बैरारी करनाटी धरी गवरी गावै आसावरी, तेह पाछ है उन्होंने चारा तो बाद तेह पाछ है सिंधवी अलापी। श्री राग सिंह पांचों थापी। अगों हुण उस परंपरा अनुसार अठ पुत्र श्री राग दे, सालू, सारंग, सागरा और अते गौंड गंभीर। सालू, सारंग, सागरा और गौंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के पांजो गौंड कुंभ अमीर तीन ने। अठ अठ कट्ठे भी लिखे जा सकते सन, पर पांज एक पासे रख के तीन एक पासे रख दिते। कादे वास्ते? भाई समझण वाले सुनने वाले दे मन विच सुनन दा समझण दा चा भी है कि नहीं, कितने मजबूरी करके तो नहीं कोई बैठे? बहुती बार इउं भी असीं बैठने, सानू बैठना पैंदा है। जिहड़े तां समझण वास्ते बैठे ने वह जरूर कन्फ्यूज हो जाणगे भी गल ते पंज पंजां दी कीती है ते लिख अठ दित्ते ने, अठ किवें हो गए? साडे कन्नां विच तां पंज ही पैणे ना, अठ किवें हो गए? फिर दोबारा सुनिया जे, सालू, सारंग, सागरा और गौंड गंभीर पंज होए। सालू, सारंग, सागरा अते गौंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग। श्री राग दे अठ पुत्र हो गए, अठ तो होए नहीं, पंज होए ने, पर तीन अगे लिख दिते गौंड कुंभ अमीर, हुण अठ पुत्र बने ने। दस ने पहला बेनती की सी भाई राग माला नूं समझण वास्ते एकाग्रता बहुत जरूरी है, तां समझ विच आवेगी। खस्टम, खस्टम दा अर्थ है छेवां राग, छेवां रागां दी ये राग माला है। खस्टम मेघ राग वै गावै, वै दा अर्थ है ओ सज्जन जिहड़े गाउण योग्य ने, जिहड़े गाउण दे पात्र ने। छेवां राग किहड़ा गाउंदे ने? खस्टम मेघ राग वै गावें, पांचों संग बरंगण लावें। ओ भी पांच रागणियां नाल लैके, मेघ राग भी पांच रागणियां नाल लैके गाउंदे ने। सोरठ, गौंड, मलारी धुनी, इन्हां धुनियां नूं, इन्हां रागणियां नूं नाल लैके सोरठ, गौंड, मलारी धुनी पुन गावें आसा गुणगुणी।
आसा गाउंदे ने। गुण गुणी का अर्थ है गाउण वाले गुणी जन, गुणा वाले गुणी जन। दो प्रकार के अर्थ किए ने इस पंक्ति के। कई ने गुण गुणी भी राग लिख दिता है, लेकिन गुण गुणी राग नहीं बनता। गुणवान गुणी सज्जना ने इस प्रकार गाव्या राग नू, छेवें राग नू, मेघ राग नू। खस्टम मेघ राग वै गावै पांचो संग, बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी धुनी, पुन गावै आसा। आसा हो गया ना अगला, गुणगुणी नहीं बनिया। पुन गावै आसा गुण गुणी, गुण वाले गुणवान सज्जन इस तरह गाउंदे ने। उच्चे सुर सोहू पुनकिनी, अगला सोहू है। मेघ राग सिंह पांचो चीनी, पांच इन्हां रागणियां नूं नाल लैके, मेघ राग दियां पांच इन्हां इस्त्रियां नूं, पांच रागणियां नूं पछाण के समझ के फिर वह गुणवान सज्जन गाउण वाले सज्जन गाउंदे ने। जितनी देर राग की पछाण नहीं होंदी उतनी देर राग गाया ही नहीं जा सकता। ते राग की पछाण राग के स्वरूप तो होंदी है। राग के स्वरूप वास्ते राग दियां सुरां दी नॉलेज होनी चाहिए है। बेशक किताबों के बहुत सारे राग लिखे होंगे, बहुत सारिया किताबा ने जिन्हां विच राग लिखे हुए ने। महापुरख संत सरवन सिंह जी गंधर्व डोमेली वाले, जिन्होंने सत किताबा गुरमत संगीत दियां लिखियां ने, सत किताबा। छे किताबा ते उन्होंने अपनी शरीरक हयाती दे विच लिखाईया ने, प्रिंट भी हुई ने। पर सतवीं किताब लिखवाई उन्होंने प्रिंट करवाने तो पहला ही वह अकाल चलाना कर गए। अरदास नाल बहुत प्यार सी उन्हों का। उस सतवीं किताब का मुख बन तो पहला दो शब्द वो दास वालों लिखे गए। उन्हां महापुरखां ने उन्हां किताबां दे विच ऐसे ऐसे राग लिखे ने जिहड़े उन्हां दी अपनी क्रिएशन सी। और तुसी हैरान होवोगे भी वो ब्लाइंड सन आप। सत किताबां संगीत दियां उन्हां लिखाईयां, आप राग क्रिएट कीते उन्होंने। रागां नूं नां दे के नाल राग नट सरवण इस तरह करके। और हर साल जवद्दी विखे जो गुरमत समागम होया का हुण भी होया करता है, उस कंपीटिशन विच उन्हां नूं सद्या जांदा सी। जब बैठे होंदे सन जदों उन्हां ने राग शुरू करना ना, ते जज हैरान हो जाते सन। वो पुछते सी भाई संत जी तुसी केड़ा राग शुरू किया। आखन लगे भी जज तो तुसी हो, मैनू क्यों पुछ, तुसी दसो, जजमेंट तुसी करनी है, नंबर तुसी लाने ने। मैं केड़ा राग गा रहा, केड़ा राग मैं शुरू किया, ये तुहानू पता होना चाहिए। गाउण वाले नूं गुणवान सज्जन नूं राग की नॉलेज होंदी है, उन्हूं पता होंदा है। और कई बार वह वर्जित सुर भी उस राग दे विच ला देंदा है, और इन्नी कमाल दे नाल, इन्नी बरीकी दे नाल वह लगाउंदा है, राग नूं नुकसान ही कोई नहीं होंदा। इहो जिहा गुणवान गुणी सज्जना की गल हो रही है इत्थे। पुन गावै आसा गुण गुणी, ऊचे सुर सोहों पुन कीनी, मेघ राग सिंह पांचो चीनी। पांच रागणियां की पछाण करके, उन्हां रागणियां दे सुरां की पछाण करके मेघ राग गाउण वाले गुणी सज्जन इस तरह मेघ राग गाउंदे, जिन्हां नूं समझ ही कोई नहीं, जिन्हां नूं केवल मेघ राग दे किताबी सुरां दा ही ज्ञान है। जदों ये पांच रागणियां गाउणगे नाल
8 पुत्र नाल गाउणगे इन्हां दे, ओह ते जरूर कन्फ्यूज हो जाणगे वी इह की गा रहे ने, पता नहीं लगेगा इह की गा रहे ने। ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣ ਵੀ ਮੇਘਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਘਰਾਗ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਸਟੋਂ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੈ, ਪੰਚੋਂ ਸੰਗ ਬਰੰਗਣ ਲਾਵੈ, ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਣੀ ਪੁਣ ਗਾਵੈ, ਆਸਾ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਉੱਚੈ ਸੁਰ ਸੂਹੂ ਪੁਣ ਕੀਨੀ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉਂ ਪੰਚੋਂ ਚੀਨੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ 8, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਏ, ਬੈਰਾ ਧਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇਦਾਰਾ ਜਬਲੀ ਧਰ ਨੱਟ ਆਓ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੈਰਾ ਧਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇਦਾਰਾ ਜਬਲੀ ਧਰ ਨੱਟ ਅਤੇ ਆਓ ਜਲ ਧਾਰਾ ਪੁਣ ਗਾਵੈ। ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ, 6 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਆਓ ਸ਼ਿਆਮਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮਾ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ 8 ਨਾਮ ਜੇ, ਬੈਰਾ ਧਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇ ਦਾਰਾ ਜਬਲੀ ਧਰ ਨੱਟ ਔ ਜਲ ਧਾਰਾ ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਸ਼ੰਕਰ ਔ ਸ਼ਿਆਮਾ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਜੋਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਗਾਏ, ਕਿਸ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਣੀ 30, 6 ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਗਾਏ, 1 ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਇਸਤਰੀਆਂ, 6 ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਨਾਲ 8-8 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗਾਏ ਨਾਲ, 1 ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਨਾਲ ਰਾਗ ਹੋਰ ਗਾਏ। 1 ਰਾਗ ਉਹ ਹੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 14 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਰਾਗ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਣੀ 30, ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18-10-20। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਵੀ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੇ 8-8 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗਾਏ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18-10-20। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬਾਣੀ ਜੋ 1429 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1430 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1430 ਅੰਗ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1429 ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਆਓ ਸਾਰੇ
मन करके प्रण करिए गुरु दे नाल कि सतगुरु पातशाह तू सानू तौफीक बख्श। असी ये वायदा करते हैं जितनी देर तेरे दिते ये स्वास हन साडे शरीर दे विच कम से कम उतनी देर असी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं अपना गुरु मन्ना। इस तो बिना असी होर किसे नूं अपना गुरु नहीं मन्नां। ये प्राण करिए गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे चरणां विच बैठ के मन करके जुड़ के सच जाणिया जे साडा अज दा ये पुरब मनाया होया सफला हो जाए। गुरु कृपा सतगुरु रहमत करन बख्शिश करन साडी ऐसी भावना बन जावे। इस भावना दे नाल असी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे चरणां विच जुड़ के गुरु की बाणी पढ़ सकीए सुन सकीए समझ सकीए हिरदे विच वसा सकीए ते गुरु की बाणी अनुसार जीवन जीव सकीए साडा गुरु चरणां विच आउणा सफला संसार विच आउणा सफला जीवन सफला हो जावे। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन चरणों में हाजरियां भरदियां आप संगत की सेवा करदियां बेअंत फुल्लां आप जी ने खिमा कर देनियां। सारे रल के करिए धनवाद सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का जिन्होंने साडे ते रहमत की सानू यह समा बख्शिया है। आप संगतां का बहुत बहुत धनवाद करो कृपा बुलाओ फतेह सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।